नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका ये आइडल स्क्रू जो है कार्बोरेटर का, ये कहीं खो गया था तो किसी ने 10 नंबर का बोल्ट यहाँ पर लगा दिया। एयर ले रहा था तो ये लगाने से क्या हो रहा है कि ये अपने आइडल पर नहीं रुक रही है, स्टार्ट करते के साथ बंद हो जा रही है और ये पूरा टाइट है। मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। एक्सीलेटर छोड़ने के बाद ये बंद हो जाएगी क्योंकि ये होल तो बंद हो गया इसका, लेकिन ये काम नहीं कर रहा, स्लाइड को ऊपर नहीं कर पा रहा। तो अब इसका स्क्रू मुझे दूसरा लगाना पड़ेगा। तो स्क्रू लगाने से अच्छा है, तो स्क्रू लगाने से अच्छा मैं इसे ही स्क्रू बना दूं, क्योंकि ये लगाने से मुझे 5 रुपये में हो जाएगा। इसके लिए मैं 10 नंबर का ही एक थोड़ा सा बड़ा बोल्ट लेकर इसे यहाँ पे नुकीला करूँगा घिस कर। चलिए मैं इसे नुकीला कैसे करता हूँ वो दिखा देता हूँ आपको, नुकीला कैसे किया जाएगा। मैं इस ग्राइंडर से इसे घिसूँगा और यहाँ पे नुकीला बनाऊँगा। मैं इसे नुकीला बना लेता हूँ, देख रहे हैं घिस रहा, इसे मैं नुकीला बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने इसे देखिए नुकीला कर लिया है। देख रहे हैं ये बोल्ट को हमने घिस के इस तरह नुकीला कर लिया। अब इसे हम कार्बोरेटर में लगाएंगे तो ये सही काम करने लगेगा। चलिए इसे कार्बोरेटर में लगाते हैं। इसमें लगाते हैं इसे, अभी स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए ये अपने आइडल पर रुक रही है, मुझे ये नया लगाना पड़ा और उसी तरह का बोल्ट मैंने बस नुकीला कर दिया तो ये सही हो गया है ना। इतने आइडल पर रुकने लग रही, इसका जो ट्यूनिंग है वो रुक रहा है क्योंकि वो मोटा था, वो स्लाइड को ऊपर नहीं कर पा रहा था। अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप भी कर सकते हैं ऐसा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।